मुझे देखना किधर है? सब तरफ देखना है आपको, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे संगीत में देखते हैं ना दाएं बाएं, वैसे ही सबको देखना है। लेफ्ट टर्न लेफ्ट इस तरफ भी घूमत घूम के वैसे बाजू यहाँ पे, यहाँ पे इस तरफ, इस तरफ थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है आपको? क्या मतलब कितना एक्साइटेड आप फील कर रही हैं इतने बड़े अवार्ड लेके, स्पेशली इंटरनेशनली हुआ है तो क्या कहेंगे इसके बारे में? वेल जब मुझे इंस्टेंटली पता चला कि सॉरी जब मुझे इंस्टेंटली पता चला कि इस तरह से फेलिसिटेशन हुआ है और फाइनली जब नॉमिनेशन के बाद मुझे अवार्ड मिला तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और वाकई जब भी कोई ऐसी बात आती है, जब कोई नॉमिनेशन होता है, व्हेन इट कम्स टू एन इंटरनेशनल लेवल वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, सो मेनी पीपल आर वॉचिंग यू, इंस्पायरिंग यू, आई मीन लाइक लुकिंग अप टू यू, योर टैलेंट, सो एक बड़ी बात हो जाती है और इट्स सच अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो। उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि और आगे अच्छा काम करना है और आगे अपना टैलेंट और अच्छे से यू नो निखर के आए और अच्छे से आए और मेहनत करनी है। तो बस ये पहली बार ये दूसरी बार है और इसके पहले जब मैंने एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2010 एशियन गेम्स में, तो वाकई वो भी एक बहुत दैट वाज अ मोमेंट आई लिव्ड विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्राइड। आई थॉरली इंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट और आज जब ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है तो बहुत खुश हूँ मैं। इंस्पिरेशन की बात की जाए तो आपको सिंगिंग में इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, क्या है इसके बारे में बताएंगे? बहुत शुरू से बहुत अच्छा म्यूज़िक हमारे पेरेंट्स ने हमें सुनाया, बहुत रिच म्यूज़िक। और वैसे मैंने क्लासिकल सीखा है, आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंडियन क्लासिकल, लेकिन उसके पहले जो इंस्पिरेशन मिली वो नन अदर देन आर ग्रेट लेजेंड सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड, लता मंगेशकर जी, रफ़ी साहब, आशा भोंसले जी, सीरीज़ ऑफ सिंगर्स, आज के कितने सिंगर्स हैं। तो वी आर ब्लेस्ड कि हम इतने बॉलीवुड में इतने दिग्गज लोग हैं, कलाकार हैं, म्यूजिशंस हैं, सिंगर्स हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है और हर एक से अलग अलग टाइम पे इंस्पिरेशन मिलती है। यूजुअली सिंगिंग की बात की जाए तो आजकल हम बॉलीवुड में देख रहे हैं तो गाने आ रहे हैं जा रहे हैं, बट कोई जैसे पुराने ज़माने के सॉन्ग्स रहते थे, अच्छे सॉन्ग रहते थे, लिरिक्स रिमेंबर कर सकते थे हम, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि आज का टाइम और पहले में वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है। मिलेनियल्स जितने यंग जनरेशन है उनके हिसाब से भी अलग अलग चीज़ों को हमें अडॉप्ट करते हुए आगे भी बढ़ना है। हम हमारे बॉलीवुड में बहुत तरह से म्यूज़िक में एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है, फ्रॉम 70s 80s 90s का दौर कितना रोमांटिक था, और आज ऐसा नहीं कह सकते कि आजकल म्यूज़िक अच्छा नहीं है। आजकल भी गाने वाले बहुत अच्छे हैं, कुछ कुछ गाने कुछ लिरिक्स बहुत ही अच्छे होते हैं। वाकई पुराना ज़माना ये था कि हम जब गाना गाते थे वो अपने आप में एक रियाज हो जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राग बेस्ड गाने होते थे और वो गाना कोई गा ले, मुकम्मल कर ले तो वो अपने आप में रियाज होता था। क्लासिकल सिंगिंग की बात की जाए तो आपको कितनी रुचि है क्लासिकल सिंगिंग में? देखिए मैं हमेशा से क्लासिकल की तरफ मेरा बहुत रुझान रहा, क्योंकि क्लासिकल में आपकी रूह इन्वॉल्व होती है, आपकी कोई पाबंदी नहीं है, पूरी एक फ्रीडम है और वो जो कनेक्ट है वो एक रूहानियत कनेक्ट है। लेकिन मुझे मेन स्ट्रीम में आना था तो मैं अभी ये है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके चल रही हूँ, जिसमें क्लासिकल है और क्लासिकल और लाइट वोकल के बीच में एक सेमी क्लासिकल भी होता है जिसमें गज़ल गायकी, ठुमरी गायकी और भी बड़े न्यूंसेस होते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक आर्टिस्ट अपने आप में कंप्लीट तभी होता है कि जब वो हर चीज़ गा सके।
तो क्लासिकल में रुचि तो हमेशा से भी है. जब भी आई वॉन्ट टू गिव सम पीस ऑफ माइंड टू माई माइंड और जब मेरा सुबह का रियाज होता है तो फाउंडेशन इज ऑलवेज क्लासिकल. सिंगिंग की बात की जाए तो आजकल हम न्यू सिंगर्स को देख रहे हैं तो रियलिटी शोज के जरिए मतलब न्यू सिंगर्स अपने बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, कितना ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है? देखिए अब वो दौर नहीं रहा जब सिर्फ चंद लोगों तक ही म्यूज़िक या आर्ट सीमित था, लेकिन आजकल गांव बैठे हुए किसी किसी रिमोट एरिया में भी कोई आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है और वायरल हो जाता है. वो आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी रील बनाने की देर होती है. तो अभी वो वैसा नहीं है कि बॉलीवुड ही एक एक माध्यम रह गया जिसमें आप अपना हुनर अपनी गायकी को प्रदर्शित कर सकते हैं. चाहे आप गायक हों, चाहे एक्टर हों, चाहे आप कैसी भी प्रतिभा रखते हों, आप अपनी आपके बहुत एक ज़रिए बन चुके हैं आजकल. आप उनके ज़रिए मुझे लगता है कि अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और बहुत सारा टैलेंट है हमारी कंट्री में और अच्छा है कि सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है. और मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है. जब भी एक बच्चा होता है अगर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस कब बनता है? जब उसको बहुत सराहना मिलती है लोगों से. तो वाकई अगर मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई अच्छा गाता है, जब उनको देखता है कि वाकई ये मेरा टैलेंट है और यहाँ मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है और मुझे इसको पॉलिश करना चाहिए, तो अपने आप में आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है. अच्छी भी है, बुरी भी है, बट ज़्यादा अच्छी है. सो 20th of August वी आर कमिंग अप विद अ सिंगल और हम दो गाने लेकर आ रहे हैं. एक पाकिस्तानी फोक है जिसको हमने रिवाइज़ किया है अपने तरीके से. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ द क्रॉस बॉर्डर फोक म्यूज़िक, तो हमने उसको एक बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है. एंड देन द अदर सिंगल विच इज़ कमिंग इज़ अ पंजाबी सॉन्ग और बहुत ही पैपी सॉन्ग है. आई होप यू ऑल विल लव इट. और अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी सून इट विल बी अवेलेबल ऑन ऑल द म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑल ऑफ यू पीपल टू हियर इट आउट. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? अगर दो लाइन आप पहले गुनगुना दीजिए उसके बाद मैसेज दे दीजिए फैंस को, ज़्यादा अच्छा रहेगा. पाकिस्तानी ओके, जो पाकिस्तानी फोक सॉन्ग है ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि रेशमा जी जो वहाँ की बहुत एक मतलब क्या रूहानियत आवाज़ थी उनकी, तो मैं उसी गाने को जो रिप्राइज हमने किया उसकी चंद लाइनें आपके लिए गाती हूँ. प्यार वाले आनु नहीं ओ वेख सकदा जमाना केड़ी गल तो वे छोड़े वे लभदा बहाना, केड़ी गल तो वे छोड़े वे लभदा बहाना, आंखें लगते किसे दे आंखें लगते किसे दे आंखें लगते किसे दे आंखें लगते किसे दे, मेरा मन न तोड़ी तेनु वास्ता खुदा दावागा वतना नु मोड़ी, कितने नैन न जोड़ी कितने नैन न जोड़ी. अ ग्लिम्स. तो मेरा मैसेज मेरे फैंस मेरे लिसनर्स के लिए यही है कि मैं आपके लिए हर तरह का म्यूज़िक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, फ्रॉम फोक फ्रॉम प्रेजेंट फ्रॉम क्लासिकल एवरीथिंग. जितना भी मेरा हुनर है मैं पोर्ट्रे करके आप तक पहुँचाती रहूँ और आपके बेस्ट विशेज हम लोगों को मिलते रहें और इसी तरह से आपका प्यार और आपका प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें. थैंक यू. देखिए ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन है. मैं बहुत जेनरसली ज्यूरी और जो जिन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और बहुत आइकॉनिक अवार्ड है और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करना जिसमें समथिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी समथिंग फॉर द कंट्री, तो मुझे कई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कई ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर मैं अपना टैलेंट रिप्रेजेंट कर पाई हूँ. वेयर आई कैन टॉक अबाउट आर्मड फोर्सेस, जहाँ पर मेरी कंट्रीब्यूशन से माय कंट्रीब्यूशन वाज फेलिसिटेटेड बाय आवर लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी. और उसके बाद ये अवार्ड मिलना, मैं बहुत ही खुश हूँ. सिंगिंग की बात की जाए तो आप मतलब किस प्रकार की सिंगिंग करें? क्लासिकल सिंगिंग में ज़्यादा रुचि आपको कि
हिप-हॉप सिंगिंग में या फिर हिप-हॉप? सो बेसिकली मैं एक अलग ही बैकग्राउंड से आती थी. पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन आई फॉलो माय पैशन, म्यूजिक वाज माय पैशन. आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर इंडियन क्लासिकल. और मैं जिस टेरेन से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर, तो हमने बहुत सारी एड्रोसिटीज़ देखी हैं वहाँ पर, यू नो. और हमेशा से आई हैव सीन आर्मी मिलिट्री वेरी क्लोजली. ऑलवेज हैड अ फीलिंग फॉर जो मेरे जज्बात हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए. तो बीइंग अ सिविलियन, मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो एक सॉफ्ट हार्ट था, वो कहीं ना कहीं एक इंस्पायरेशन थी मुझे कि मैं अपनी कंट्री, अपने सोसाइटी के लिए और स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस के लिए कुछ करूं. वहीं से म्यूज़िक एक तरह से मेरे लिए ज़रिया बन गया कि मैं उसी तरह से अपने इवेंट्स करती गई. और जो भी मैंने आई कैन से अचीव किया, जो भी इवेंट्स के ज़रिए, वो सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस या जो डिफेंस एसोसिएशंस हैं उनमें मेरी कंट्रीब्यूशन रही. और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि उसी के लिए मुझे फेलिसिटेट किया गया. तो मैं म्यूज़िक को एक मैं कह सकती हूँ कमर्शियल एस्पेक्ट से कम देखते हुए उसको ज़्यादा एज अ हीलिंग एक ज़रिया और एक मतलब रूहानियत है मेरे लिए बेसिकली. तो म्यूज़िक मेरा पैशन है. तो बस ये है कि आज ये अवार्ड से फेलिसिटेशन हुआ है और यही प्रोत्साहन मिलता रहता है. जैसे आपको सराहना मिलती है लोगों से, आपकी ऑडियंस से, आपके लिसनर से, तो और ज़्यादा जोश व खरोश से आगे काम करने का मौका मिलता है. और खूब ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि जोश आता है कि आप और अच्छा काम करें. और मीडिया एक ज़रिया, एक माध्यम बन जाता है जो कि आप हमारी खुशी उस पार बैठे हमारे लिसनर्स और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. कैसे फील कर रहा है किसी भी इंडियन के लिए इंटरनेशनली अगर कुछ अवार्ड नॉमिनेट हो रहा है, सो कितना प्राउड फील कर रहा है? ऑब्वियसली खुशी तो सबको होती है, बट कैसा फील कर रहा है अभी कि आपने इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे प्राउड फील करा है? ये वैसे पहली बार नहीं है जब मुझे इस तरह की फीलिंग आई है, क्योंकि इसके पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियन गेम्स क्लोजिंग, विच वॉज 2010 गुआंगझोउ चाइना में हुआ था. और इट हैड अ रिकॉर्ड बीटिंग ऑडियंस ऑफ 800,000 ऑडियंस एंड आई हैड 14,000 डांसर्स विद मी. तो अपना एक जो आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, तो एक अलग ही एक फीलिंग होती है जब आपकी कंट्री का नाम अनाउंस होता है, दैट यू नो द यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलना तो वाकई आई मीन लाइक नथिंग लाइक इट. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. और आज तो आई एम सेलिब्रेटिंग इट एंड अपने आप में ये एक बहुत दिग्गज पुरस्कार है. और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया. आई मीन लाइक आई गॉट अवॉर्डेड फॉर दिस. मैम, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड में आपको कैसे सेलेक्ट किया गया? मेरा प्रीवियस काम अगर देखा जाए, जो किया है मैंने, उसको इसको काफ़ी देर से जो रिकग्निशन मिली है, बिकॉज मैं 3 से 4 साल दुबई में एज अ फिल्म एंड म्यूज़िक एकेडमी एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करती रही हूँ. और उसके बाद ऑल्सो गेटिंग एन एप्रिसिएशन फ्राम आर लेट प्रेजिडेंट ए पी जे अब्दुल कलाम जी, माई एक्सटेम्पो वर्क फॉर द आर्मी, जो कि मैं काफ़ी देर से, मैं कह सकती हूँ कि तपती हुई रेत में जहाँ हमारे बॉर्डर हैं, वहाँ से लेके माइनस डिग्री पे जो ऑल्टीट्यूड्स पे जो हमारी फौजें हैं, मैंने वहाँ वहाँ तक परफॉर्म किया है. तो कई पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं. तो इन टोटैलिटी जब देखा जाए, ऑल्सो द एशियन गेम्स, तो मुझे लगता है कि मेरा जो मेरी म्यूज़िक की तरफ एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आई हैव मार्क्ड माई प्लेस देयर. मैम, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की बात की जाए तो आपका कहीं ना कहीं उसमें रुचि है या आप जो है करना चाहेंगी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग? देखिए, मैं कह सकती हूँ कि आई एम हैप्पी एंड कंटेंडेड. बॉलीवुड के मेरे 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पहले रिलीज हो चुके हैं, देयर वर 2 मूवीज. और फिलहाल आई पुट माई सेल्फ एज अ इंडिविजुअल आर्टिस्ट, बिकॉज अपनी एक इंडिपेंडेंस रहती है, अपनी क्रिएटिविटी, एंड वी आर कार्विंग अ नीश वर्किंग ऑन आर ओन आइडियोलॉजीज. अपनी जो एक अपने एक हिसाब से हम अपना गाना क्रिएट करके वो बनाते हैं. लेकिन जब भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आएगा और जहाँ पर भी माई वॉइस कैन डू जस्टिस टू सर्टन प्रोजेक्ट, इट विल बी मोर देन वेलकम. मैम, अभी अपकमिंग सॉन्ग की आपकी बात करें तो क्या एक्चुअली सॉन्ग है, क्या थीम है, कौन से फेसेस उसमें दिख सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है?
So you all will be happy that I'm announcing here as well. My two songs are coming. My first single will be releasing on the 20th along with another song, which is a folk song. Pakistani folk song. Dusra jo hai wo maine ek Punjabi song kiya hai. So we shall be bringing those songs to you very soon. And date is 20th. Ma'am, agar two line gunjana sakti hain. Haan, sure. To ye jo gana hai, it's a very peppy song. It's a Punjabi number. Here you go. Vikal sun yaara, viladi na dobara, ve tenu pata tere bin, saada koi ni sahara. Gusse vich manda changa bolde, main hanse vich pa deniyan. मैं तो चन तेरे हर एक मन दी मेरी तू ना मन जो मैं कहनी बिना तड़पा सजना वे मुक जाने सा सजना वे सा भी नहीं मुकनी वे मेरे साथ तो यारा मैम पंजाबी में आपने गाना गाया इसका हिंदी मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि वे गल सुन यारा यारा मेरी बात सुन कि मुझसे फिर मत लड़ और मुझ पर यकीन कर लड़ी ना दोबारा कि मुझसे फिर मत लड़ और बाकी ये कि दिल से दिल की बात है और आखिर में जो लवर्स हैं वो मान जाते हैं दादा साहब फाल्के काफी बड़ा अवार्ड है जिस टाइम आपको मतलब वहाँ पे सम्मानित किया गया उस टाइम क्या फील कर रहे थे किस तरह का फील हो रहा था जी कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे जिसको इतना बड़ा फेलिसिटेशन मिले मुझे नहीं लगता कि वो जो जज्बात हैं वो मैं वर्ड्स में अपने शब्दों में बयान कर सकती हूँ क्योंकि जहाँ पर आपको एक पूरा देश देख रहा है पीपल आर लुकिंग अप टू यू पीपल आर लुकिंग एट योर टैलेंट द प्रॉमिसिंग वर्क यू आर डूइंग टू द सोसाइटी जस्ट नॉट फॉर योर सेल्फ मुझे लगता है कि ठीक है अपने लिए गाया गाया क्या गाया लेकिन आप अपने अपनी आर्ट अपने आपके पास जो हुनर है उसके ज़रिए आर यू मेकिंग एनी चेंज टू द सोसाइटी आर यू गोना डू एनी थिंग फॉर एनी वन तो इन टोटैलिटी आपका जो काम अगर देखा जाए सराहा जाए तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी जर्नी को पूरा देखती हूँ तो म्यूज़िक में जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो जो भी मुझे स्टेजेस मिलते गए अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करने के लिए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और जब मेरे हाथ में दादा साहब फाल्के की जो ट्रॉफी आई वो भी इंटरनेशनल आइकॉन दैट वाज अ टोटल यू नो अ टोटल डिफरेंट आई कैन से इमोशन इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड स्टिल एंजॉयिंग इट ओके मैम लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप जो आप फैंस से कहना चाहते हैं या जो आप लोग मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मीडिया तो ऐसा कुछ मैसेज है आपका फैंस के लिए मेरा फैंस के लिए मैसेज मैं अपनी आवाज़ से हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी और ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट इसीलिए मैं ये मैंने ज़रिया चुना कि मैं अपनी जो मेरी सोच है और अपनी जो मेरी आवाज़ है मेरी आइडेंटिटी है और मैं उसे अपना काम प्रेजेंट करूं और जो मैं कर रही हूं जो आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं और बस यही है कि आपका प्यार बना रहे आप हमें भी बेस्ट विशेज़ दें और भी बहुत जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर माइट नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द बिग म्यूज़िक लेबल्स सब अपने उसी माध्यम से कि आपके पास अपना एक चैनल है अपना एक यू नो योर ओन मीडिया प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया इज़ देयर तो उसी ज़रिए से अपना टैलेंट पहुँचा रहे हैं तो टैलेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी माध्यम हो चाहे वो बिग बैनर से रिलीज़ हो या अपने छोटे चैनल से रिलीज़ हो वो कभी रुकता नहीं है अगर वो प्रॉमिसिंग हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू दो मिनट प्लीज आप बंद कर